हेलो टू ऑल माय डिवाइन सोल्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन सेज टैरो में। और आज रीडिंग लेकर आई हूँ यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है, क्या बताना चाहती है आपके बारे में। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और ये मैं आइसिस ओरेकल कार्ड्स यूज कर रही हूँ, तो प्लीज़ यूनिवर्स बताएं मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके बारे में अभी क्या जानने की आवश्यकता है, वो अभी क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में। प्लीज़ गॉड बताएं, प्लीज़ एंजल्स बताएं मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वो अभी अपने बारे में क्या जानना चाहते हैं, उनको अभी क्या जानने की आवश्यकता है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स। एंटर द चैम्बर ऑफ हीलिंग। तो डियर फ्रेंड्स, अभी आप में से हमारे जो व्यूअर्स हैं उनमें अधिकांश लोगों के लिए ये मैसेज निकल कर आया है कि एंटर द चैम्बर ऑफ हीलिंग, हीलिंग इन द डिवाइन चैम्बर ऑफ द लेडी आइसिस। तो हो सकता है कि आप पास्ट के कुछ ट्रॉमा में फंसे हुए हों, कोई प्रॉब्लम्स हों, या आप किसी प्रॉब्लम से निकले हों, या आप किसी प्रॉब्लम में सफ़र कर रहे हों। तो डिवाइन का, यूनिवर्स का ये मैसेज है आपके लिए कि आप अपने आप को हील करिए, हीलिंग दीजिए। और हीलिंग का सबसे अच्छा वे है वो है अपने आप से जुड़ने का, अपने आप से कनेक्ट होने का। तो अपने लिए, अपने साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, अपने लिए समय निकालिए और एकांत में रहिए। तो थैंक यू यूनिवर्स। नेक्स्ट मैसेज है हमारे व्यूअर्स के लिए कि उनको क्या रिलीज़ करने की आवश्यकता है। तो प्लीज़ डिवाइन बताएं कि हमारे जो भी व्यूवर्स हैं उनको अभी क्या रिलीज़ करने की आवश्यकता है, उनको क्या चीज़ रिलीज़ करने कर देनी चाहिए। प्लीज़ बताएं डिवाइन, जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको क्या रिलीज़ कर देना चाहिए। थैंक यू। मैजिक एंड रिचुअल्स, क्राफ्टिंग सेक्रेट प्रैक्टिस। तो हो सकता है कि आप में से बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं वो किसी ना किसी पूजा पाठ में हों, या फिर किसी तरह का कोई कोर्स कर रहे हों, या फिर किसी तरह की कोई ऐसी शिक्षा ले रहे हों जिसमें वो काफ़ी अपने आप को टायर्ड फील कर रहे हों। उनको ये लगता हो कि मुझे अब थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए, इस चीज़ को मुझे यहीं ड्रॉप कर देना चाहिए, थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, गॉडेस आइसिस आपसे ये कह रही हैं कि आप जो भी वर्क कर रहे हैं उससे थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, अपनी हीलिंग कीजिए, अपने बॉडी को ध्यान दीजिए, अपने खाने पीने का ध्यान रखिए। नेक्स्ट कार्ड है कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनको अभी अपनी लाइफ में किस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है। तो प्लीज़ डिवाइन बताएं, प्लीज़ एंजल्स बताएं हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनको अभी किस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है। थैंक यू यूनिवर्स। पिलर ऑफ लाइट। तो डिवाइन आपसे ये कह रही हैं, एंजल्स आपसे कह रही हैं, यूनिवर्स आपको ये बता रहा है कि आपको अपनी डिविनिटी पर फोकस करने की ज़रूरत है। आप पिलर ऑफ लाइट हैं, आप हो सकता है कि लोगों को हील करते हों और आपसे लोगों को बहुत एनर्जी मिलती हो। तो ये टाइम है अपनी एनर्जी पर फोकस करने का, अपनी हेल्थ पर फोकस करने का, अपने आप पर फोकस करने का। तो डिवाइन ये कहना चाह रही है कि अगर आप एक फैमिली में भी हैं, अगर आप एक मदर हैं, आप हाउसवाइफ हैं, तो आप पहले अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। क्योंकि जब आप स्वस्थ होंगी तो आपकी फैमिली भी स्वस्थ होगी, क्योंकि फैमिली का जो आधार स्तंभ होता है वो एक मदर होती है, माँ होती है। तो आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट हुई होगी। डियर फ्रेंड्स, अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।